हाँ तो गाइस, जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हो भाई, ये इतने सारे बेब्लेड्स हैं, ये लगभग 100 होंगे, 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 100 से कम भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो का टाइटल इसलिए 100 होगा गाइस, और इसकी फाइट करने वाले हम ब्रेव वेलक्री से। तो इस वीडियो में कुछ भी हो सकता है, इसमें ये मेरे को लगता है टूटेगा, बहुत जगह से टूटेगा, और इनमें से भी बहुत सारे बेब्लेड टूट सकते हैं गाइस। तो भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है गाइस, तो इसको घर पे ट्राई मत करना, वैसे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मत करना। ओके, बेब्लेड टूट जाएंगे गाइस, ये टूट जाएगा, इसको सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ये 100 फाइट्स करेगा, जैसे कि हमारा इसने 100 फाइट करी थी, और इसका अंजर पंजर ढीला हो चुका है, ठीक है। तो इसकी फाइट करेंगे 100 बेब्लेड से, जिसमें से मैक्सिमम बर्स्ट बेब्लेड है, और बाकी मेटल बेस है, प्लास्टिक जेन नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक जेन का कोई मतलब नहीं बनता भाई, बहुत जल्दी हार जाते हैं प्लास्टिक जेन वाले, ठीक है। तो गाइस ये है ब्रेव वैलकिरी, और इससे पहले हम करते हैं ये जो हमारा ATM है डोरेमोन का। तो गाइस इसकी वीडियो आ चुकी है, मतलब 2 घंटे बाद आ जाएगी हमारे टॉयस वाले चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो भाई जाके सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस, पैसे मिल जाएंगे। ओके गाइस, यार इसकी अनबॉक्सिंग आ जाएगी गाइस, ठीक है, अभी शुरू करते हैं यार वीडियो को। तो स्टेडियम रेडी है भाई, और इस वाले बेब्लेड में, इस वाले डब्बे में हम जीतने वाले बेब्लेड रखेंगे, जो कि ब्रेव वेलक्री से जीत जाएंगे, और इस वाले डब्बे में हम हारने वाले बेब्लेड रखेंगे, जो ब्रेव वेलक्री से हार जाएंगे। तो गाइस ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यार मेरे से गलती हो सकती है, क्योंकि हर 100 बेब्लेड्स हैं गाइस, तो भाई पता नहीं चलेगा मैं कौन सा कहाँ कर दूँ मैं, मतलब जैसे कुछ जीतने वाले को मैं हारने वाले में रख दूँ, और हारने वाले को जीतने वाले में, तो भाई उसको मैनेज कर लेना यार, क्योंकि पिछली वीडियो एक बनाई थी मैंने, उसमें मेरे से ये गलती हो गई थी, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, तो इसलिए गाइस थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, और शुरू करते हैं भाई इस वीडियो को अब। चलो लॉन्चर्स आ चुके हैं, पहले करते हैं इससे ग्रेटेस्ट रफाइल से कर लेते हैं, देखते हैं भाई कितनों से ब्रेव वैल्करी जीतेगा, ब्रेव को बाद में लॉन्च करेंगे, चलो बाद में कर देंगे, ठीक है, रफाइल को पहले कर दें, रफाइल जीत जाएगा मेरे को पक्का पता है, 3 2 1। लेकिन कुछ भी टूट सकता है गाइस, कुछ भी टूट सकता है भाई इस वीडियो में, कोई सा। ओहो भाई, पहली शुरुआत इतनी बुरी तरह से की गई है कि ग्रेटेस्ट रफाइल को बर्स्ट कर दिया गया भाई, इससे ज्यादा खतरनाक क्या होगा गाइस। और ये वीडियो में एडिटिंग बिल्कुल नहीं होगी, वैसे भी नहीं होती मेरी वीडियोस में एडिटिंग इतनी ज्यादा, बट इसमें बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, 1 घंटे की बन जाएगी ये, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इससे, ये तो बिल्कुल आराम से जीत जाएगा इससे तो, बट कुछ कह नहीं सकते, ब्रेव वैल्करी का कुछ भी हो सकता है यार। भाई ब्रेव वैल्करी अपने 10% भी लॉन्च नहीं हुआ था, 10% पावर के साथ भी नहीं लॉन्च हुआ था, और इसको बर्स्ट कर दिया, अभी तक के 2 बेब्लेड आए हैं और दोनों बेब्लेड बर्स्ट हुए हैं। तो ये है ब्रेव वैल्करी की पावर गाइस, तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को इसकी पावर देख के। अभी इसको करते हैं भाई, ये भी बर्स्ट हो जाएगा, कम ऑन कम ऑन ब्रेव कम ऑन, भाई मेरा गला खराब हो जाएगा तो। ओहो, लगातार लगातार 3 बेब्लेड्स बर्स्ट होते हैं गाइस। ओ भाई जल्दी जल्दी करते हैं यार, ज्यादा टाइम नहीं करना, खराब करना हमको। नेक्स्ट करते हैं गिल्टी लॉन्गिनस से, अरे यार इसका तेरे, इसके लिए तो लेफ्ट लॉन्चर चाहिए, लेफ्ट लॉन्चर। ये गाइस टूट चुका है बेब्लेड में, और मुझे डर है कि ये फिर से ना टूट जाए, देखते हैं भाई क्या होगा, या गिल्टी बर्स्ट होगा, या फिर ब्रेव वेलक्री जीतेगा, या फिर क्या होगा, या टूटेगा। पता नहीं यार, मेरे ख्याल से गिल्टी जीत जाएगा, पहला बेब्लेड जो जीतता है भाई, ये बेब्लेड टूट चुका है और फिर भी जीत गया गाइस, पहला बेब्लेड जो जीत चुका है, 3 बेब्लेड बर्स्ट हुए और 34th बेब्लेड जीत गया है। अभी करते हैं सेवियर वेलक्री, कम ऑन कम ऑन, सेवियर जीतेगा या फिर ब्रेव जीतेगा, कम ऑन भाई, ये वीडियो में ब्रेव वेलक्री भाई साहब, यार ये वीडियो ऐसी हो रही है कि या तो हार रहा है या फिर बर्स्ट ही कर रहा है, 4 बेब्लेड लगातार बर्स्ट, मतलब जीतने वालों में एक्सकेलियस भाई, ये डेंजरस हो सकता है, ऑन देखते हैं भाई क्या होगा, एक्सकेलियस X3 वर्सेस ब्रेव वेलक्री, बच गया भाई, बर्स्ट होने से बच गया, चलो थोड़ा सा वो कर दिया, ले टूट गई एक टाइप से, ये क्या हुआ भाई, मेरे समझ ही नहीं आया, ये बेब्लेड जीत कैसे सकता है, मैं ब्रेव वैलकरी को पहले लॉन्च करूंगा गाइस, ये जीता नहीं है वैसे ब्रेव वैलकरी का, मेरे ख्याल से टक्कर भी नहीं हुई, ये अजीब है यार, बहुत अजीब है ये बेब्लेड,
मैं इसलिए कह रहा था ये बहुत अजीब है। कहाँ गया भाई इसका सामान सिस्टम? अरे गाइस ये देखो यार, ये क्या है, वो टूट गया। चलो कोई बात नहीं, बाद में देख। यार क्या हो गया इसके, ये कुछ ऐसे होगा गाइस। हाँ चलो भाई, अभी तक सिर्फ एक बेब्लेड जीत पाया है और बाकी बेब्लेड ऐसे ही है। ये भी गया, टक्कर हो चुकी है। ओ भाई अभी जेनेसिस वेल्ट चेक, क्या क्या लगता है गाइस, जेनेसिस वर्सेस लॉन्च तो हो जाता भाई। सॉरी सॉरी भाई, जल्दी के चक्कर में ना, जल्दी नहीं करनी चाहिए गाइस, बट गर्मी इतनी हो रही है कि दिमाग खराब हो रहा है भाई। मेरे को ब्रेक ले लेके वीडियो बनानी पड़ेगी, बहुत गर्मी है गाइस, हम एसी वाले लोग नहीं है। एक घंटे की वीडियो बन जाएगी यार ये। ओ भाई कम ऑन यार, हारना ही था, जल्दी हार जाते। अभी बारी है इसकी, प्रोमिनेंस वेलक्री वर्सेस द ब्रेव वेलक्री। यार लॉन्च तो अच्छे से हो जाए अगर। ओहो अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, और कुछ नहीं हुआ। ब्रेव क्या जीतेगा भाई, मेरे को लगता है हाँ ब्रेव जीतेगा, बट कुछ भी हो सकता है, उसका स्टैमिना ड्राइवर है वो जीत सकता है। नहीं ब्रेव ही जीता है गाइस, तो प्रोमिनेंस वेलक्री भी हारता है ब्रेव वेलक्री के सामने। भाई आज ब्रेव वेलक्री सबसे ही जीत रहा है यार, एक ही बेब्लेड जीता है अभी तक ब्रेव से। ये मुझे लग रहा है बर्स्ट होगा, कम ऑन बर्स्ट भाई, बर्स्ट पहले हुआ फिर रिंग आउट हुआ है, तो बर्स्ट फिर से बर्स्ट गाइस। मजा आ रहा है यार। चलो अभी ना आधे बेब्लेड होते ही ना, मैं इसका ब्रेव वेलक्री का 6 वाला ये लॉन्च वो कर देंगे हम, ये जो है ना ये रेड वाले यहाँ पे आ जाएंगे वो करेंगे। अभी रुक जाओ, अभी इसकी बारी है। अरे भाई अभी तक सिर्फ एक वेब्लेट जीत पाया है, तो पावर ऑफ ब्रेव वेलक्री ये जीत जाएगा लग रहा है मेरे को। ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्टैमिना की वजह से जीत सकता है। शिट यार नहीं जीतेगा भाई, स्टैमिना की वजह से भी नहीं जीतेगा। तो वो यार मुझे लगा था स्टैमिना की वजह से जीत जाएगा, पर नहीं जीत पाया। एक्सकेलियस X1, इससे कोई चांस नहीं है। ये वही बेब्लेड है गाइस जिसको हमने 20 फीट की ऊंचाई से फेंका था, और काफी अच्छे से चल रहा है भाई, काफी अच्छी टक्कर भी ले रहा है। अभी तक बर्स्ट नहीं हुआ फर्स्ट जनरेशन का होने के बावजूद। अभी करते हैं नेक्स्ट डेथ साइट। ओहो अरे रुक जा चचा, इतनी भी वो नहीं, एक्साइटमेंट दिखाते होते। देखो ब्रेव वेलक्री अपनी 50% स्ट्रेंथ पे लॉन्च हुआ है इस बार, फिर भी जीत जाएगा, जीत भी क्या जाएगा, बर्स्ट ही कर दिया भाई। कितने बेब्लेड बर्स्ट करेगा ब्रेव वेलक्री? रुको यार अभी स्पार्किंग बेस नहीं आए ना, स्पार्किंग बेस आते ही तोते उड़ जाएंगे ब्रेव वेलक्री के। वैनिश, वैनिश को तो क्या ही होता रहता है पता ही नहीं। चलो भाई वैनिश को फिर से करते हैं, रुको यार थोड़ा सा कैमरा एंगल। ओके यस 3 2 1 यस, वैनिश को भी हरा दिया है। ओहो भाई अभी आ गया है टर्बो स्प्रिगन, नहीं इससे कुछ ज्यादा तो खतरा नहीं है, इसको टर्बो स्प्रिगन से कोई खतरा नहीं है। ओ भाई गया गाइस टर्बो अखिलीस, इससे देखते हैं। Come on. ओ भाई साहब यार ये तो गलती से हार गया, बट हार गया गाइस। यार इसके ब्लेड्स खुले थे यार, नहीं तो बर्स्ट था ये भाई, इतनी तेज टक्कर मारी है ना। दूसरा बेब्लेड जो जीतता है अखिलीस, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। अभी है वर्ल्ड स्प्रिगन, कम ऑन 3 2। ओ भाई कम ऑन भाई, मैं इतना तेज लॉन्च कर रहा हूँ, मेरे लॉन्चर टूट जाएंगे इस बैटल में। ओहो क्या वर्ल्ड स्प्रिगन हारेगा? नहीं भाई नहीं हार सकता, हार ही नहीं सकता, तो स्पार्किंग बेस ही जीत सकते हैं इससे। ओ भाई कैसे जीत गया यार, इससे भी जीत गया, सिर्फ दो ही बेब्लेड जीते हैं भाई अभी तक। मेरे को तो इससे पक्का भरोसा था कि ये तो हारेगा इससे, तो ये भाई बच गया बच गया, बर्स्ट होने से पहले बाहर निकल गया। ये कहता है कि मेरी
भलाई इसी में कि मैं बाहर निकल जाऊं पहले ही। ओ ओ भाई ओ चचा फाइट कर लेना। कुछ नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। अभी रुको रुको रुको, इससे करते हैं ये जीत जाएगा, इससे मेरे को उम्मीद है कि जीत जाएगा। रुक जा यार, रुक जा यार। अबे गाइस क्या हो रहा है, ये लॉन्चर को अटका नहीं रहा। ये क्या था, ऊपर से ऊपर लॉन्च हुआ गाइस ये। ओहो अटैक टाइप हो गया, साइक्लोन रैग्नारोक भाई यहाँ पे लॉन्च हुआ। ये अजीब सा बेबू, थक गया यार गर्मी। ओके गाइस तो अभी तक सिर्फ दो ही बेबलेट जीत पाए हैं। क्या लगता है गाइस कितने बेबलेट जीत जाएंगे यार, ये तो लॉन्च ही नहीं हुआ। क्या लगता है, मेरे ख्याल से 20। आप सबको क्या लगता है जरूर से कमेंट करके बताएं, क्योंकि मेटल फाइट्स वाले अभी तक नहीं आए हैं, और मेटल फाइट्स वालों से मैं लास्ट में करूँगा, पहले बर्स्ट वालों को ख़त्म करते हैं। भाई हर बेबलेट को बर्स्ट कर रहा है, कितने बर्स्ट कर चुका होगा ये। इनको लेफ्ट वालों को भी कर लेते हैं यार, छोड़ लेफ्ट स्पिन बस, इस राइट स्पिन आएगा अभी, लॉस्ट लॉन्ग इनफ। ये बर्स्ट होगा, ये बर्स्ट होगा, नहीं ये बर्स्ट नहीं होगा। जूई लॉन्ग इनफ यार, ये तो जीत गया, ये स्टील स्पिनिंग करवाए। ओ हार गया हार गया भाई, स्टील स्पिनिंग वाले बहुत खतरनाक हैं यार सही में। अरे यार लॉन्च ही नहीं हुआ ढंग से, जीत जाएगा इससे तो, जीत जाएगा, लॉन्च नहीं हो पाया ढंग से। क्या लगता है गाइस जीत जाएगा ब्रेव वैल्करी ना लॉन्च होने की वजह भी, मतलब बावजूद भी? नहीं लगता मुझे। वो जीत गया वो भाई, बिल्कुल मिली सेकेंड से जीता है। ओहो भाई ब्रेव वैल्करी आज पता नहीं क्या खा के आया गाइस, ये तो बाद में ही करेंगे इसको लॉन्च, इसका पता ना है कितनी कितना डेंजरस है ये। अरे 3 2 कम ऑन कम ऑन। ओहो ये वोल्केनो विनिंग वैल्करी भाई भाई भाई, नहीं स्टार्टिंग में कुछ कर देता तो कर देता, नहीं कर पाया कुछ भी। फैफनियर अबे चचा गिरते नहीं होते यार, देखो यार इस वीडियो में गलतियां होएंगी मेरे को पता है, मुझे पता है, बट शायद ना हो क्योंकि इस वीडियो में ज्यादा बेबलेट जीतेंगे नहीं, सारे बेबलेट हारने वाली कैटेगरी में रहेंगे, कुछ को छोड़ दे। जैसे कि अभी जो ये फैफ नहीं है ये जीत सकता है क्योंकि ये लेफ्ट स्पिन है और ये स्टेमिना टाइप है, थोड़ा बैलेंस टाइप कर लो इसको। नहीं भाई ब्रेव वैल्करी आज पता नहीं क्या ही खा के आया है, इसकी बारी आ गई है, इसका मेरे को नहीं पता। अरे 10% पावर के साथ लॉन्च हुआ है फिर से, क्या लगता है इस बार भी हार जाएगा? नहीं ब्रेव है ये गाइस, ब्रेव नहीं हारता भाई साहब। कितना ही तेज लॉन्च कर लो कितना ही स्लो लॉन्च कर लो जीतना ही है, और इसको इसको लॉन्च ही नहीं होना गाइस। भाई हो जाए यार चचा। ओके 3 2 1 भाई आया क्यों था फाइट में, सीधा आया और गया। यार छोड़ो क्या ही बोले, ये है टेम्पेस्ट ड्रैगन, ये जीतेगा, इसका गारंटीड है, गारंटीड है ये जीतेगा। ओ गाइस ये गलत हुआ भाई, ये तो जंप करके बाहर आ गया यार, टक्कर होने वाली थी उसी टाइम बाहर निकल गया। रुको 3 2 इस बार नहीं होगा भाई, पता चलेगा इस वीडियो में कौन जीतेगा टेंपेस्ट वाला, पता ये भी चल जाएगा कि ब्रेव वैल्करी तीसरा बेबलेट जीत गया। इसका तो लग भी रहा था मेरे को, काफी खतरनाक है ये, 3 बेबलेट जीत चुके हैं अभी तक, जिनमें से एक अनएक्सपेक्टेड था वो जो जीता है अखिलेश। अभी इसकी बारी है भाई, ये जीत सकता है, डेंजरस है ये, लॉन्च क्यों नहीं होता ब्रेव। ओके फाइनली
भाई मुझे नहीं पता इसको वीडियो को कौन देखा गया, कौन देखेगा इतनी बड़ी वीडियो को, बट देख लेना। हार गया यार ये भी, हार गया, कोई चांस नहीं है चाचा, कोई चांस नहीं है। हाँ इसकी बारी है भाई। कमाल की बात है, कमाल की बात है कि ब्रेव वैलकरी टूटा नहीं है अभी तक कहीं से भी। छोटे छोटे बेबलेट रह गए यार अब तो, मेटल फाइट आने बाकी है। ये जीत सकता भाई, ये जीतेगा, ये जीतेगा भाई, ये जीतेगा। ये बेबलेट हर बार वो जीतता है, इस बार भी जीत जाएगा आराम से। हाँ। नहीं यार क्या चल रहा भाई, ब्रे वैल्करी भाई क्या चल रहा है ये समझ नहीं आ रहा मेरे को तो। जो भी चल रहा है गाइस, जो भी चल रहा है सही चल रहा है। एक नंबर, 3-2-1 ओके, 3-2-1 गाइस फैफनियर, देखते हैं किसमें है कितना दम, कौन स्टिल स्पिनिंग करता है और कौन अपने दम पे जीतता है। स्पिन स्टीलिंग, स्पिन स्टीलिंग गाइस, स्पिन स्टीलिंग। ओ भाई गले की बैंड बच गई है भाई। देखो ये एक टाइप से ड्रॉ भी मान सकते हैं, बट ब्रेव वैल्करी जीता है इसमें। फिर से करते हैं इन दोनों की, यार मैं दोबारा करना नहीं चाहता था किसी की फाइट, बट इन दोनों की करनी पड़ेगी, ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज कॉल था। कम ऑन, कोई तो जीतो कोई तो हारो। गाइस फैफनियर जीत सकता है शायद, या फिर अभी जो नौबत है उसके हिसाब से ना भी जीते, कुछ भी हो सकता है, स्पिन स्टीलिंग भी कर सकता है। हाँ जीत गया भाई, फोर्थ वेबलेट जो जीतता है गाइस फैफनियर, जो कि किसी से नहीं जीता हो इससे जीत गया। टर्बो वर्सेस ब्रेव, टर्बो वर्सेस ब्रेव, एस्ट्रल वर्सेस स्प्रिगन। चलो टर्बो हारेगा या फिर ब्रेव हारेगा, मेरे ख्याल से टर्बो हारेगा, टर्बो हारेगा, हार गया टर्बो। ओके एस्ट्रल स्प्रिगन की बारी है गाइस, देखते हैं एस्ट्रल स्प्रिगन को। 3-2-1 यार रुको यार, मैं लॉन्च ही नहीं कर पाया गाइस भाई, ये वीडियो में बहुत सारी गलतियां होंगी, मुझे माफ़ करना उसके लिए, मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा इतनी बड़ी वीडियो को। ओके 3-2-1 ब्रेव मुझे नहीं लगता एस्ट्रल से जीत पाएगा। इंपीरियल की बारी है नेक्स्ट। एस्ट्रल हारेगा या जीतेगा, एस्ट्रल हारेगा या जीतेगा, हारेगा या जीतेगा। जीत गया, फिफ्थ बेबलेट जीत गया भाई। हाँ पांचवा बेबलेट जीता है, ज्यादा तो नहीं जीते अभी भी, 20 मेरे ख्याल से मुश्किल ही जीतेंगे। 3-2-1 ओहो ये इंपीरियल हारेगा, इंपीरियल हारेगा, इंपीरियल का स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल जा चुका है गाइस। अभी बारी है रिवाइव फिनिक्स की और ब्रेव वेलक्री। अरे यार शिट यार, लॉन्च ही नहीं हुआ यार, बट फिर भी जीत गया यार। जीत गया, एंड में आते आते भी हराने की कोशिश पूरी की थी उसने, बट जीत गया। अभी बारी है इसकी, ये बेबलेट समझ से बाहर है मेरे, मैं इसको लॉन्च कर दूंगा, मैं इसको लॉन्च कर दूंगा, ही बड़ी बात है यार। ये वहां से बाहर से अंदर आया, कोई बात नहीं, ब्रेव वैल्करी बोलता है कि मैं फिर से बार बार फेंकता हूँ तेरे को, तो बाहर का रास्ता फिर से जाते हुए, और ये बेबलेट जीतेगा, मैं कहना नहीं चाहता बट ये जीतेगा। शील्ड नहीं भाई, इस बार तो हार गया ये भी। स्वॉर्ड देख लेते हैं, स्वॉर्ड जीत जाएगा, कोई तो जीते। रुको रुको रुको, मैं पहले ब्रेव को करता हूँ, इसका स्टैमिना बहुत लो है। पसीने गर्मी, ओ ये
ये तो कुछ हो ही नहीं रहा यार, या तो हार ही जाओ या जीते जाओ, बीच में अटका रखा है इन्होंने तो। ओके वेलकम है हिलियोस, हारेगा भाई? नहीं जीत गया यार भाई, जीत गया। ओके गाइस अभी बारी है हिलियोस वोल्केनो। यार मौका ही नहीं मिला भाई, ये तो बाय चांस इसको चांस मिल गया एक टाइप से, क्योंकि ये यहीं पे था पहले से यार, और फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी पहले वहीं पे था, मौका ही नहीं मिला यार इस बार तो ब्रेव को। ये क्या हुआ, इसके लॉन्च नहीं होना क्या? नहीं भाई ये बेबलेट बेकार है, जितने भी डायनामाइट है ना सिंगल ब्लेडर नहीं खेल सकता, अगर ड्यूअल बेबलेट हो तो मतलब दो दो प्लेयर्स हो तो जीत सकते हैं, मतलब खेल सकते हैं, सिंगल के बस की बात नहीं है इसके साथ खेलना। ओ भाई जीत कैसे गया ये, क्यों हद हो गई भाई, कोई भी जीत रहा है यार अभी तो। भाई ब्रेव वेलकरी को कुछ खिलाना पड़ेगा गाइस, ये भी जीतेगा क्या? इसका जीतना हो सकता है, बन भी सकता है। अरे रुको, क्या लगता है गाइस ये जीतेगा? नहीं। ओके अभी इसकी बारी है। अरे चचा रुको, पहले ब्रेव को लॉन्च करते हैं। वह चचा 3 2 1, ये क्या था भाई, बाहर से अंदर भी आया और फिर पार कर बाहर चला गया। गाइस उसके तो तोते उड़ा दिए गए हैं। ये बारी है अभी इसकी एपोक्लिप्स, देखते हैं कितना एपोक्लिप्स कर पाता है ये। अरे यार एक तो ना ये भाई ये बेब्लेड है या घनचक्कर है, इसको हराना मुश्किल, मुझे लगा ही था इसको हराना मुश्किल है, और इसने तो भाई एक बार में खत्म कर दिया ब्रेव वेलकरी को। अभी बारी है इसकी, ये भी जीत सकता है। देखो गाइस इसमें जनरेशन का, जनरेशन से कोई मतलब नहीं है भाई, कोई भी जीत सकता है। कमॉन अभी मोड चेंज करेंगे ब्रेव वेलकरी का, काफी टाइम हो गया। ब्रेव का मोड चेंज हो भाई, ब्रेव तो टूटा हुआ है यार गाइस, ब्रेव तो टूटा हुआ है। तो भाई बचा हुआ कैसे है अभी तक ये, अब और बच जाएगा, अब इसके रबड़ बाहर आ चुके हैं गाइस, अब बच जाना चाहिए भाई ब्रेव वेलकरी को, पूरा इम्पैक्ट ही यहाँ पे लग रहा था यार, इसलिए इसको टूटने का, टूट ही चुका है भाई, क्या कहें, मेरे को लगा ही था ब्रेव टूटेगा। कोई प्लास्टिक नहीं टूटा, बस सीधा ही टूट गया यार, इसका तो बेस ही टूट गया। अभी करते हैं इससे, इसके लिए पहले ब्रेव को फिर लास्ट, नहीं मैंने इसलिए ही नहीं लिया यार, मैंने इसको अवेकन करके बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे पता है गाइस। ओह स्प्रिगन, हद हो रही है यार, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है। इसकी बारी है, ये जीतेगा ये जीतेगा ये जीतेगा। 3 2 1, कम ऑन ब्रेव, झाड़ दे भाई, इसको तो सांस ही लेने का मौका नहीं मिला यार, फिर भी स्टिल स्पिनिंग करके फिर से अपने स्टेमिना में आ चुका है मिराज फेवनियर। और क्या लगता है मिराज जीतेगा? जीत ही गया भाई, एंड में स्टेमिना बिल्कुल खत्म कर दिया था ब्रेव ने, फिर भी हराम खोर स्टिल स्पिनिंग करके, स्पिन स्टिलिंग करके जीत ही गया। अरे भाई अरे यार हद हो गई इनकी तो। मैं वैसे ना बेबलेट बर्स्ट और बेबलेट एवोल्यूशन में कोई नहीं जीता, और जीतेगा भी नहीं शायद कोई, ये भी गया गाइस। ओके
ये आगे है एक और बेब्लेड का बास्ट का विक्ट्री वेलकरी बर्स्ट होने आ चुका है विक्ट्री वेलकरी। अगर ये बर्स्ट नहीं हुआ ना मैं मान जाऊंगा इसको। ओ मान गया भाई मैं, विक्ट्री वेलकरी बर्स्ट नहीं हुआ गाइस, बहुत ही बढ़िया बात होगी। जो कि अभी है हाइपेरियन, पहले ब्रेव को ही लॉन्च करेंगे। यार ये तो जीत गया गाइस, हाइपेरियन तो जीत गया। कोगनाइट गोल्डन कलर। ओ भाई कोई जीतो, कोई भी जीत लो, बस जल्दी से फाइट खत्म हो जाए, मैं परेशान हो गया, मेरा गला खराब हो गया। ये भी जीत जाएगा क्या? क्या हो रहा है गाइस? ब्रेव वेलकरी फर्स्ट हाफ में सही कर रहा था, उसके बाद में तोते से उड़ रहे हैं ब्रेव वेलकरी के भी। ब्रेव वेलकरी कह रहा है भाई अब नहीं हो पाएगा मेरे से भी, टूट चुका है गाइस ब्रेव वेलकरी। मुझे ये भी नहीं पता ये पूरी फाइट भी कर पाएगा। कम ऑन, मैं करने वाला था सेवियर वेलकरी वर्सेस 100, वो फिर किसी दिन कर लेंगे गाइस। यार रेड फिनिक्स जीत गया गाइस। ओ मैं हारने वाले में रख रहा था, देखो कह रहा था ना मैं गलती हो जाती है मेरे से, लेकिन नहीं हुई, इस बार बच गया मैं। 3-2-1 यूनियन अखिलेश के तो यूनियन ही उजाड़ दिया यो भाई, एक अटैक में खत्म कर दिया। चलो भाई खत्म ये भी। अवेकन हुआ नहीं भाई, अवेकन नहीं हो रहा यार, ये वहीं पे पड़ा है, हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है बस। चलो साइक्लोन बेरियल ऐसा कुछ नाम इसका। यार ये डीबी वाले लॉन्च नहीं हो रहे इस लॉन्चर से। हो गए ओके भी क्या ही उखाड़ दिया, फिर से वैसे ही करेगा ये। कम ऑन, अरे हरा दे भाई, ये तो जीत जाएगा ब्रेव वेलकरी ऐसे तो। जीत गया। हाँ जीत गया गाइस, वो टूट गया गाइस, ये इसका मेटल पीस निकल के निकल गया, जो भी है ये हार गया है। वैसे फिर से कर लेते हैं यार इन दोनों की। ओके फिर से करेंगे, देखते हैं भाई इस बार विनर पता चल जाएगा कौन है। फिर ये चिपकू ड्राइवर विद हरक्यूलिस ओहो नीचे घिसा दिया इस बार, तो हार गया भाई, पहले भी हारा ही गया था, इस बार भी हार ही गया, नहीं जीत सकता चाचा। ओ भाई ये तो जीत गया यार, अजीब सा है भाई, ऐसे कौन जीतता है? इसमें है बैरिंग ड्राइवर जो कि भाई ये जीत जाएगा यार। नहीं, बैलेंस खराब भाई, बिल्कुल आराम से काम कर रहा था लेकिन बैलेंस खराब हो गया। बर्स्ट वाले रहते कितने हैं, अभी तो मेटल वाले भी हैं यार। चलो पहली फुर्सत में निकल एम्परर फोर्नियस, बहुत हद हो गई, बहुत डेंजरस गाइस बेब्लेड है ये छोड़ो यार, यार कर ही लेते हैं, वैसे जीत जाएगा मुझे पता है अगर ये ढंग से रहे तो। नहीं हार गया भाई, बिल्कुल फेयर फाइट में आ रहा है, हारने वाले की तो भाई डब्बा ही भर चुका है। ओके इससे कर लेते हैं अभी जेनेसिस, एक जेनेसिस जा चुका है, दूसरा जेनेसिस आ गया है, ये बर्स्ट होगा। ये कौन सा, ये फेक वाला है ओरिजिनल? ये गाइस ये फेक वाला है, ओरिजिनल वाला बर्स्ट, हाँ वो भी बर्स्ट ही हुआ था शायद। ओके गाइस
चलो। अरे भाई बंद हो जा। अरे हाँ तो भाई, ओ भाई डब्बे में से बाहर निकल रहे हैं अब तो बेब्लेड, ऐसा काम हो गया है। अभी इसकी बारी है। कमॉन, ये बड़ा ही स्लो बर्स था भाई, ये अजीब सा बर्स था, ये तो अलग ही। ओए यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? अरे भाई वीडियो लंबी नहीं करनी भाई, मत करो यार। मेटल फाइट भी है यार, अभी थक गया भाई मैं तो। चलो इसकी बारी है, इसके लिए मैं ब्रेव को पहले लॉन्च करूँगा क्योंकि ये काबू में नहीं रहता फिर। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। इसलिए बोला था मैंने, इसके लिए ये काबू में नहीं रहता यार। बस्ट बस्ट, ये हमारा रिटायर्ड अखिलेश जो कि ठीक हो चुका है। अरे अरे चचा रुको रुको, जरा सबर करो, सबकी बारी आएगी। इसमें बस स्टॉपर लगा हुआ है गाइस, ये जो वाइट पट्टी है ये बस स्टॉपर है इसका, इसलिए बस नहीं होगा ये। ये लेफ्ट स्पिन हेल्थ सेलेमीटर, ये क्या था भाई, 1% पावर के साथ भी लॉन्च नहीं हुआ फिर भी जीत गया। ओके अरे अरे ये रह गया, किसको करूँ मैं लॉन्च पहले, इसी को करते हैं। लेफ्ट स्पिन वाले मजाक उड़ा देते हैं, नहीं लेफ्ट स्पिन वाले फायदा उठा जाते हैं, ये कह रहा था मैं। यो भाई सारे लेफ्ट स्पिन जीत रहे हैं यार, सारे के सारे लेफ्ट स्पिन जीत रहे हैं, हद हो गई यार। ये तो ये भी लेफ्ट है, नहीं ये लेफ्ट है ये तो, चलो इससे भी कर लेते हैं। ये नहीं था भाई, ये एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। पहला बर्स्ट एवोल्यूशन बेब्लेड जीतता है, पता नहीं क्यों जीत गया ये। अरे यार बेइज्जती हो गई भाई उसकी, ब्रेव की। सच में हराए बहुत सारे हैं, बट हारा भी बहुत सारों से है ये भाई। बहुत स्लो लॉन्च हुआ है, मैं फिर से करूँगा इसको। मैं सोच रहा था ऐसे ही हार जाएगा बट हारेगा नहीं ऐसे ही, बड़ा स्लो लॉन्च हुआ था। तो दो बेब्लेड रह गए हैं बर्स्ट के, 3 फिर सारे मेटल के हैं यार। मेटल वालों से लड़ना बहुत खतरनाक है मेरे ख्याल से, बेब्लेड मेटल वालों से तो लगभग सबसे हारेगा ब्रेव वैल्करी, जैसा कि मेरे को फील हो रहा है ना ब्रेव वैल्करी, क्या लगता है सबसे हारोगे? ओके तो ये 3 बचे हैं गाइस, इसको नहीं करनी गाइस, शायद फाइट ही नहीं करनी इसको, वैसे कराने का कोई फायदा नहीं है, जीत चुका है वैसे वो। बहुत कमॉन जल्दी जल्दी खत्म करो भाई जल्दी। अरे नहीं जीत सकते तुम, नहीं जीत सकते। ओके स्प्रिगन रेक्रियम, ये बेब्लेड जीत सकता है, ये जीत भी सकता है और जीत भी जाएगा शायद। ओ भाई एकदम से पता नहीं कैसे अटैक पावर आ जाती है इनके अंदर, और बहुत बुरी वाली अटैक पावर आती है, हार जाता है यार बेब्लेड, बर्स्ट ही हो जाता है। हाँ लेजेंड स्प्रिगन भाई साहब, पसीने पसीने, ये भी बर्स्ट हो जाएगा, बच गया भाई, बर्स्ट होने से बच गया, देखो एंड में था। मेटल फाइट्स की बारी है अब, चलो शुक्र है, चलो मेटल फाइट्स को तो पहले लॉन्च करेंगे गाइस, कोई दूसरा चांस ही नहीं है पहले बाद में लॉन्च करने का। कमॉन कमॉन भाई मेटल फाइट्स, ये बहुत बहुत हार्ड है इनको हराना। ब्रेव वेलक्री क्या करोगे भाई? गाइस यार सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लग रही है भाई, सच में बहुत मेहनत लग रही है भाई, इतनी बड़ी वीडियो और इतनी देर बोलना बहुत मुश्किल है। जो लोग भाषण देते हैं वो बहुत
भाई मस्त हैं यार वो लोग। मैं मेटल फाइट जो हार रहे हैं ना उनको अलग रख रहा हूँ, क्योंकि मैं बाद में सीधे बक्से में डाल दूंगा उनके। ये बुल, अरे यार ये तो मैंने ऊपर ही लॉन्च कर दिया। ओ भाई इतना टिक गया ये, फिर भी कमाल कर दिया यार, टिक गया। यो ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर, ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर, ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर, ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर, कम ऑन फाइट, आई नीड फाइट। बाहर जाओ, बाहर का रास्ता दिखाओ, बाहर का रास्ता दिखाओ। नहीं ब्रेव वैलकरी हार जाएगा, ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर हार जाएगा। बाहर जाता तो नहीं हारता, बट अब तो हार ही गया। ओके पहला बेबिट जो जीतता है ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर मेटल फाइट्स में। ओके नेक्स्ट, क्या नाम है इसका, ईगल, वो भी अटैक टाइप। 3 2 1 यार रुको यार रुको, अरे रुक जा यार चचा। ब्रेव वैलकरी भाई साथ में लॉन्च होना है यार, यार डन। मेरे ख्याल से अर्थ ईगल इससे तो जीत जाएगा, जीत जाना चाहिए क्योंकि अटैक टाइप है दोनों ही। अर्थ ईगल नहीं, अर्थ ईगल वैसे अटैक टाइप नहीं है, बट इसमें मोड लगा हुआ है अटैक टाइप। हार गया, ये खतरनाक विब्रेड आ गया है गाइस। क्या क्या क्यों, दोनों बाहर जा रहे हैं अब तो, हद हो गई यार। एक बिब्रेड को एक साथ लॉन्च क्यों नहीं कर सकते इन दोनों को। देखते हैं कौन जाएगा बाहर, बहुत सारे बिब्रेड हार चुके हैं, जीतने वाले अभी भी 20 नहीं हुए हैं गाइस शायद, या फिर हो गए पता नहीं। ओ भाई मेरे से बोला नहीं जा रहा भाई अब। अरे यार कॉस्मिक पैक से हारना ही है तो पहले ही हार जाए यार। ये बेबेड पता नहीं कैसा है, बहुत लो है ये बेबेड, हद से ज्यादा लो है। ये बिल्कुल आराम से हरा सकता है ब्रेव को, ये खुद आराम से हार भी सकता है, कुछ भी हो सकता है इस बेबेड के साथ। हाँ अभी तो ये ब्रेव को हरा रहा है बहुत गंदे वाला, लेकिन जब ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा तो ये खुद ही हार जाएगा, स्टारा सर्प स्टैमिना खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तो ब्रेव को बहुत बुरी तरह से हरा रहा है ये, और हरा देगा शायद ब्रेव को। बिट जा, बिट गया, देखा ये कह रहा था मैं, एक सेकंड में हार जाएगा अगर इसका स्टैमिना नहीं, इसकी थोड़ी सी भी लेयर नीचे लग गई, और तो वही हुआ गाइस, उसी टाइम हार गया। पॉइजन सर्पेंट, ये जीत जाएगा शायद, जीत जाएगा भाई। अभी तक मेटल फाइट्स में सिर्फ एक ही जीत पाया है, मेरे को उम्मीद थी कि बहुत सारे जीतेंगे, अभी भी एक ही जीत पाया है। आ जाओ भाई असोल्ट पीटीओ एल्ड्रैगो। ओ भाई कैसे मार रहा है ब्रेव को, देखो ब्रेव वैलकरी अपनी फुल पावर पे लॉन्च नहीं हुआ है, तो मेरे को फिर से करनी पड़ेगी, और पहले ही कर लेता हूँ, वैसे कोई फायदा नहीं है फिर भी कर लेते हैं। मीटियो मेरे ख्याल से जीत जाएगा यार शील स्पिनिंग करके। ओ भाई कितनी तेज टक्कर हो रही है यार दोनों की, ब्रेव के तोते उड़ा दिए गए हैं, तो मेरे तोते उड़ चुके हैं। ब्रेव गया, ब्रेव गया, ब्रेव गया। ओहो भाई जीत गया, मेरे को लग ही रहा था ये जीत जाएगा। जियोन जियो जिम, क्या नाम था, जिमियोस, जिमियोस, जिमियोस। लेट्स सी क्या होता, कम ऑन वेरी एरिस, बहुत लो हो गया वेरी एरिस। चलो ये भी गया, दो मेटल फाइट जीते हैं अभी तक। शोम नहीं, प्रोटोटाइप पेगासस। रुको रुको,
अरे ये भी गया। अभी बारी है इसकी भाई, ये बड़ा ओल्ड एज टाइप बेब्लेड लग रहा है, ये जीत भी जाएगा। ब्रेव को बाहर फेंकेगा ये, लियोन देखेंगे क्या करेगा। यार मेटल फाइट की लंबी फाइट खींचती है, इनका स्टेमिना ज्यादा होता है ना। ओ गया, चलो लियोन रोक लियोन वर्सेस द ब्रेव वेलक्री। ओहो भाई, कम ऑन ब्रेव, कम ऑन ब्रेव, यू कैन डू इट भाई। मेटल फाइट्स में से लियोन तो जीत जाएगा, कंफर्म है। अगर इसने बाहर नहीं किया ब्रेव ने, तो लियोन कंफर्म विनर है। कोई चांस ही नहीं है ब्रेव का जीतने का, बोला था मैंने। अभी बारी है इसकी, ये भी जीत सकता है, कुछ कह नहीं सकते, बट ये स्टेमिना और अटैक दोनों टाइप है। कम ऑन ब्रेव, हारना नहीं है 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 ब्रेव, हार गया नहीं ब्रेव, जीत गया भाई। पता नहीं अभी इस फाइट में तो बहुत कुछ हो रहा था। अरे चलो चलो, ये यो मैंने वो वाले नहीं यूज किए गाइस, ओरिजिनल वाले इसमें, मतलब ओरिजिनल ये एल्ड्रैगो, क्योंकि वो भाई उसके हैं, शुभम के हैं, मेरे नहीं। मैं नहीं चाहता वो टूट जाए ज़्यादा यूज करने से। कमोन कमोन ब्रेव, हार गया भाई ब्रेव, कंप्लीटली हार गया यार। ओके अभी, अरे मैं इसको फिर से हारने वाले में रखता था, देखो मेरे से आधी गलती होते होते बच रही है, क्योंकि पिछली बार बहुत गलती है मेरी। यार लॉन्च लॉन्च क्यों नहीं होता ब्रेव वैल्करी, वैसे भी जीत जाएगा गाइस, वैसे डिपेंड ऑन लॉन्च, हार भी सकता है, लेकिन अभी तक के उससे तो ऐसे ही लगता है कि जीत जाएगा। इन्फिनिटी लिब्रा है विनर भाई, मेटल फाइट वही कह रहा था ना, 50% जीत जाएंगे, तो जीत ही रहे यार 50%। थ्री टू वन, कम ऑन ब्रेव, कम। ओ भाई कोशिश की थी यार, शिट यार कोशिश, ओ भाई बहुत बुरी तरह से मारा है यार इस बार तो, इस बेब्लेड को बहुत बुरी तरह से मारा है ब्रेव ने। ब्रेव को अपनी इज्जत बचानी थी इसलिए। रे वल्क्री कम ऑन, इसको भी ऐसे ही होना है। हम है भाई फैन ब्रेव वल्क्री के। ये जीत जाएगा, इससे टक्कर नहीं होगी ना, इसका स्टेमिना बहुत ज्यादा है, ये जीत जाएगा, ये जमीन उसका वजन ही है, जीतेगा ये। भाई ये था जेमियोस का ही वर्जन, मेटल फाइट वर्जन। ये है रे स्ट्राइकर, ये है ब्रेव वेलक्री, और ये है स्टेडियम, और ये है ब्रेव वेलक्री की हार मेटल फाइट्स के खिलाफ। मेटल फाइट्स जीत रहे हैं, ये हार जाएगा कि टूट चुका है। ओ भाई सॉरी गाइस, इसको तो यूज ही नहीं करना चाहिए था, मैंने इसको चिपकाया भी नहीं है, मैं इसे वैसे ही यूज कर रहा था इसको, ये तो यूज के काम नहीं करना है भाई, इससे बाद में करेंगे। लाइटनिंग से सबसे एंड में करेंगे गाइस, क्योंकि लाइटनिंग है वो, लाइटनिंग उसकी अलग रेपुटेशन है। ब्रेव वेलक्री जिंदाबाद, ये डियाब्लो नेमेसिस, वो ये हार गया, बड़ा जल्दी हार गया डेब्लो नेमेसिस, गया। अभी बारी है इसकी,
और ये हारने वाला तो बिल्कुल नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसको रिंग आउट नहीं किया तो ये हार ही नहीं सकता, ब्रेव को रिंग आउट करना ही पड़ेगा। कोशिश की मैंने रिंग आउट कराने की बट हुआ नहीं, और अब हो भी नहीं सकता। अरे अरे ये कैसे हो गया भाई, स्टैमिना बैटल में कैसे हार गया ये अटैक अटैक से। ओहो, तो गाइस बर्स्ट बेब्लेड कमजोरी हो सकते हैं। चलो फाइनल मोमेंट, लाइटिंग एल ड्रैगन वर्सेस ब्रेव वैल्क्री। या ब्रो कम ऑन, लेट्स सी कौन जीतता है, लाइटनिंग एल ड्रैगो और ब्रेव वेलक्रो, कौन जीतता है? वेलक्रो कह रहा हूँ, वेलक्री हार गया, ब्रेव वेलक्री हार गया भाई, बहुत ज्यादा लो हो गया है। ओ ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया एंड में आके, फिर भी लाइटनिंग एल ड्रैगो जीत गया। ओके गाइस, तो फाइनल जो जीता है वो दिखा देता हूँ मैं। मेटल फाइट्स में जीते हैं एक और दो तीन चार पाँच, पाँच बेब्लेड, छ सात आठ, आठ बेब्लेड हैं जो मेटल फाइट्स के जीते हैं, आठ ये हो गए। फिर तो बहुत सारों से हार गया, बीस से ज़्यादा से हारा है। ओके आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, तेईस बेब्लेड से आ रहा है यार, ज़्यादा तो नहीं है, बहुत सही 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 कह सकते हैं यार, 80% बेब्लेड से जीत गया यार ये। ब्रेव वेलक्री की पावर ये है गाइस कि वो 80% बेब्लेड से जीता है, वाह। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना हो जाएगा। जो एल ड्रैगो का था वो था कुछ 60-40 या फिर 55-45 ऐसा कुछ, तो ब्रेव वेलक्री है भाई, दम है इसमें। देखो यार इतने सारे बेब्लेड हारे पड़े हैं, क्या ही बताऊँ मैं। उनमें से वो आठ जीते भी हैं गाइस, उनको ना मिल, उनको मत गिनना। ओके आई होप यार ये वीडियो पसंद आई होगी भाई, मैं एंड करता हूँ बस, बहुत हो गया यार। मैंने ये बोला था कि मैं ये वीडियो डालूँगा इसलिए डाल रहा हूँ, नहीं तो मेरा कोई मन नहीं था ये वीडियो अभी बनाने का यार, बहुत काम है अभी, लेकिन बना दिया यार मैंने अभी। चलो गाइस सब्सक्राइब कर देना यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कर दिया करो यार। इस महीने का टारगेट हमारा 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स का, तो बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।